लू यार, लाइक हम लोगों को सेम जैसा मिल गया। बहुत ही ज्यादा मैच्योर होकर ही पैदा हुआ है। इसको मैं बोलती हूँ अभी चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। हाँ अभी नहीं, अभी लिस्ट में सारा कलर है जो अच्छा लगता है मुझे वो ही है। तो ये टॉपिक ना है क्यों, नहीं तेरे 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 कैमरे से बाहर जा रही है। ओके कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि मैं Q&A वीडियो करना चाहती हूँ, तो आपका जो भी सवाल है आप वहाँ पे लिखिए। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे टिया से रिलेटेड, सो इसलिए मैंने सोचा कि जो सारे क्वेश्चंस है टिया से रिलेटेड, तो क्यों ना टिया ही आके खुद आप लोगों के सामने बैठ के वो सारे सवालों का जवाब दे, तो दिस विल बी बेटर। तो इसलिए मैं टिया को लेके आई हूँ मेरे वीडियो पे। तो लास्ट हमने ऐसा वाला वीडियो बनाया था, एक फुचका चैलेंज किया था हम दोनों मिलके, उसके बाद हमने ऐसा दोनों बैठ के हमने नहीं बनाया है। सो आज की वीडियो शायद मजेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो आपने टिया से रिलेटेड पूछा है वो सारे सवालों का जवाब देगी खुद टिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम, बिकॉज टिया जो है टिया उसकी निक नेम है एंड आप लोग निक नेम से ही जानते हो, सो व्हाट इज योर नेम। सुष्मिता। हाँ तो टिया के नाम है सुष्मिता। बहुत सारी लोगों की क्वेश्चन है क्या जॉब करती हूँ, क्या जॉब सो व्हाट्स द जॉब टिया दी हैज बीन डूइंग। ओके मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती हूँ एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव। और डज शी कंटिन्यू हर वर्क आफ्टर मैरिज। ऑब्वियसली। टिया की क्वालिफिकेशन, आई एम ग्रेजुएट एंड उसके बाद मैं अभी DLED भी कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल जो है वो ये है कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। ओके हम लोग शायद दिसंबर में करने वाले हैं, ईयर एंडिंग में करने वाले हैं, सो अभी तक डेट फाइनलाइज मतलब हो रहा है, बातें हो रहा है, बातें चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मतलब डेट हम लोगों ने एक रफली हमने डिसाइड करके रखा है, बट ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड हो गया है उसी डेट पे करनी है, क्योंकि बहुत देर है ना तो चेंज हो भी सकता है, तो इसलिए शायद अपकमिंग दिसंबर पे हम लोग शादी रखने वाले हैं। और सब लोग जानने में इंटरेस्टेड है कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। लव मैरिज। सो आपको जवाब मिल गया है। हाँ। और ससुराल कहाँ पे है? जलपाईगुड़ी। जो दोनों बहने एक साथ एक ही जगह पे हमारे ससुराल है। बट ये मत समझना कि दोनों भाई भाई हैं, बहुत लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं दोनों भाई हैं। मतलब रियल लाइफ में भी जो लोग देखते हैं ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि शेखत एंड शुतनु दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों भाई हैं, पर ऐसा नहीं है। पर हाँ दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, दोनों ही जलपाईगुड़ी है, दोनों रिलेटिव्स भी नहीं है। मेरे भी ससुराल है जलपाईगुड़ी, टिया की भी ससुराल होने वाला है जलपाईगुड़ी। सो व्हाट डज योर फियांसे डू? ओके ही इज अ बिजनेसमैन। ओके सो नेक्स्ट सवाल ये भी आया है कि हैज द वेडिंग डिलेड ड्यू टू कोरोना वायरस? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले से ही हम लोगों का ये जो सेरेमनी था, जो रिंग सेरेमनी था, वो फिक्स था, बट उसके बाद हम लोगों ने डेट वही पे यानी कि दिसंबर में ही हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि उससे आगे हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, उन लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए ड्यू टू कोरोना वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हुआ कि इस टाइम पे हमने रखा भी नहीं, अगर रखते भी तो भी हमें पोस्टपोन करना पड़ता। हाँ, क्योंकि कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ बंद है, जो लोगों की शादी है आने वाले हैं, जो लोगों की शादी उसमें बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अलाउड भी नहीं है अलाउड कुछ भी करना, सो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पर अच्छा हुआ कि रिंग सेरेमनी हमने रखा था 13th of March, क्योंकि अभी अगर रखते तो भी हमें पोस्टपोन करना पड़ता, सो वो सब हो गया। पर हाँ मैंने थोड़ा सा डिले करके मैंने अपलोड किया था वीडियो, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि इस टाइम पे क्यों ऐसा गैदरिंग करना, पर नहीं वो 30th of March को था, तो तभी ऐसा कुछ नहीं था कि आप गैदरिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था भी नहीं। पर जब मैंने डाला एक हफ्ते बाद मैंने वो वीडियो पोस्ट किया, तो इसलिए जो लोग देख रहे थे तो उन लोगों को लगा कि अभी ऐसा गैदरिंग करना सेफ नहीं है, लेकिन वो सब के बहुत पहले ही हम लोग वो गैदरिंग कर चुके थे। और एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है अबाउट योर लव स्टोरी।
अभी ना मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ. एक्चुअली इट्स लिटिल बिट मोर पर्सनल फॉर मी. अभी अभी के लिए फिलहाल तो ये ऑफ कोर्स ये उसका टोटली पर्सनल मैटर है. अगर हाँ अगर इसका चैनल कोई है बनता है तो आप वहाँ पे जाके इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि लव स्टोरी बता दो. अगर ये कंफर्टेबल रहेगा तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेगा. और हाँ ये सवाल पता नहीं कितनी बार मेरे पास आ चुका है और मैंने भी बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है लेकिन फिर भी ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज योर टिकटॉक आईडी. क्योंकि एंगेजमेंट ब्लॉग में बहुत लोगों ने देखा था कि टिया नाच नाच के टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही थी. सो व्हाट इज योर टिकटॉक आईडी. ओके मुझे एक्चुअली डांस करना बहुत पसंद है. बहुत मतलब बहुत पसंद है. सो अच्छी डांस भी कर लेती है. हाँ थोड़ी बहुत. सो मेरा टिकटॉक आईडी है टिया TIYA ऑचिन पाखी ACHIN. तो और एक सवाल, एक्चुअली सवाल नहीं है, तो मेरे पास दो तीन रिक्वेस्ट आए हैं कि टिया को बोलने के लिए कि टिया भी एक अपना चैनल खोले. तो आप में से दो तीन लोगों ने ये रिक्वेस्ट मुझसे किया है कि मैं टिया को बोलूँ ये बात. सो सो फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब करती हूँ और उसके बाद पढ़ाई भी है मेरा, तो इसलिए अभी तक तो पॉसिबल नहीं है. और उसके बाद अगर फ्यूचर में हम लोग करते भी है, मैं करती भी हूँ, तो आई विल लेट यू नो ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर भी चाहिए. सो दी तो बता ही देगा फ्यूचर में अगर होता है. अगर टिया करती है तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी क्योंकि आप लोग भी इंटरेस्टेड रहोगे टिया की चैनल देखने में, टिया की वीडियोस देखने में. क्योंकि ये बहुत मतलब इसमें भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है क्योंकि दी को देखती हूँ क्योंकि रात रात भर जाके एडिटिंग करता है ये वो. वीडियो शूट करना लोगों को देख के लगता है कि हाँ बहुत ईजी है, कोई भी वीडियो बनाओ जो भी काम करता है दे दो, बट नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है. बहुत मेहनत करना पड़ता है. का जो प्रोफेशन होता है ना वो एक 24/7 जॉब उसको कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सिर्फ उसको वीडियो बनाने में नहीं. यूट्यूब के एक वीडियो के पीछे हमें कितना ज़्यादा मेहनत, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है और कितना ज़्यादा कुछ कुछ करना पड़ता है. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इसके पीछे. सो अभी क्योंकि ये जॉब करती है तो थोड़ा सा मुश्किल है जॉब के साथ एक चैनल संभालना. देखते हैं अगर इन फ्यूचर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं. और बाकी जो सारे सवाल आए हैं मेरे बारे में जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है तो वो सारे सवाल का जवाब मैं अलग से एक वीडियो में देने वाली हूँ क्योंकि ये है सिस्टर टैग वीडियो. तो अभी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक सिस्टर टैग वाला जो वीडियोज होता है ना वैसा वाला करें. सो अभी ये स्टार्ट करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का इम्तिहान लेंगे कि इतना जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को. हाँ What is my favorite food? About street food. Street food, momos. Haan, I like momos. I love momos. But not favorite. Not favorite. मतलब momos देखने. Okay. तेरी favorite street food. तो momos के ऊपर ही पागल हो गए. लड़कियां जो जिसमें पागल हो गए. मैं भूल ही गई हूँ. आजकल मेरी memory थोड़ा सा खराब भी हो जाता है. भूल ही जाती हूँ. ओके सो तेरी फेवरेट स्ट्रीट फूड पाव भाजी. कुछ भी नहीं जानती. नहीं नहीं पानी पूरी. पानी पूरी तो होगा ही, सब लड़की का पानी पूरी होता है. नहीं ऐसे नहीं होगा, सब लड़की का पानी पूरी होता है. पानी पूरी है. हाँ तो चटपटा चटपटा खाना अच्छा लगता है. मतलब मीठा भी होगा खट्टा भी होगा. मतलब आलू चाट पापड़ी चाट. हाँ, मुझे चाट वगैरह खाना ज्यादा पसंद है, चटपटा वाला. ओके दोज फेवरेट कलर. टिया की फेवरेट कलर होगी ब्लैक. यस और भी है बहुत सारी है अभी. ये तो दिस इज नॉट फेयर ना. तो जो द मोस्ट है द अल्टीमेट है जो ब्लैक पसंद है मुझे व्हाइट भी पसंद है. एक्चुअली क्या है ना जब छोटी थी तब ब्लैक पसंद है, तब बड़ी हुई व्हाइट भी आया, उसके बाद अभी कलरफुल बहुत अच्छा लगता है. पिंक भी अच्छा लगता है, मैजेंटा भी अच्छा लगता है, पीच भी अच्छा लगता है. तो अभी क्या मैं ये सारे लिस्ट समा दूँ. कलर मेरा मोस्ट द फेवरेट ब्लैक अभी अभी नहीं. अभी लिस्ट में सारा कलर है जो अच्छा लगता है मुझे वही है. तो ये टॉपिक डायरेक्ट क्यों हम नहीं नहीं तेरे 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 बोलना है तो कैमरे से बाहर जा रही है. ओके तेरा फेवरेट कलर व्हाइट है ऑफ कोर्स.
व्हाइट, बट अभी कौन ज्यादा जानता है व्हाइट है. मुझे कलर्स भी अच्छे लगते हैं, कलर्स भी अच्छे लगते हैं. एक्चुअली कलर्स के बारे में उतना नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली. अभी बहुत सारा दोनों को ही कलर्स अच्छा लगता है. टिया की फेवरेट आउटफिट, टिया की फेवरेट आउटफिट होगी साड़ी. या आई लव टू वेयर साड़ी, बहुत अच्छा लगता है. वेस्टर्न भी अच्छा लगता है बट साड़ी पहनना भी बहुत अच्छा पसंद है. जो वो रेयरली पहनती है साल में एक बार लेकिन उसको पसंद है, साल में एक बार पहनेगी. बाकी टाइम आप उसको देखोगे कि शॉर्ट्स में पहनती है. तेरी फेवरेट है इंडियन वेयर, तू कुर्ता भी पसंद करती है, साड़ी कंफर्टेबल. हाँ या यू आर कंफर्टेबल विद इंडियन वेयर. मोस्ट फेवरेट साड़ी नहीं है, साड़ी नहीं है. तू चूड़ीदार जो है, जो सूट बोलते हैं हम लोग, सूट तेरा बहुत अच्छा लगता है, तुझे बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली मैं कहूँगी कि फेवरेट आउटफिट सच कुछ नहीं है, सच कुछ नहीं है. हाँ, मैं सब कुछ ही पहनती हूँ, कंफर्टेबल जो है. हाँ, बट जो कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनती हूँ. जैसे अगर मुझे साड़ी पसंद है लेकिन साड़ी हैवी वाला मुझे पसंद नहीं है, ताकि जो पहन के मैं चल ही ना सकूँ, तो वैसा नहीं पसंद है. थोड़ा सा कंफर्टेबल जो भी होता है वही मुझे पसंद है. तो टिया की फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट होगी जस्ट वन. ओके, आई थिंक इट्स हाइलाइटर. क्या? I love Clinique. And for me, lipsticks. Of course. मुझे पता था. Undoubtedly lipsticks. ये मेरे हस्बैंड को भी पूछना तो वो यही बताएंगे कि lipstick. अभी हम दोनों एक दूसरे के नेचर जो है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं. तो मैं करूंगी टिया की. तो टिया जो है, टिया थोड़ा सा चुलबुली स्वभाव की है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा चुलबुली स्वभाव की लड़की है, और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाला इंसान है. और मतलब बहुत ही जल्दी लोगों के साथ घुल मिल भी जाती है, बहुत इजी होता है उसको लोगों के साथ घुल मिलना, बातें करना. और जब हमारी जो अड्डा जोन होता है ना, मीन्स जब सब लोग इकट्ठा बैठ के बातें करते हैं, तब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही रहती है, क्योंकि उसको बातें भी करना अच्छा लगता है. और मैं जैसे कभी दूर भी रहती हूँ ना, तो सबसे पहले फ़ोन पर जाके वो मतलब बताएगी सब कुछ, डिटेल्स में बताएगी कुछ भी. मतलब मैं अगर दूर भी रहती हूँ ना, तो मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है. मतलब उसको सब कुछ बोलना होता है, कुछ भी को मिस आउट नहीं करती है. तो सब कुछ बताती है, जब बताती है तो मतलब इतना बोलती है, इसलिए लोगों की बहुत ही ज़्यादा चहिता है टिया. लोग बहुत ज़्यादा टिया को पसंद भी करते हैं. और टिया अभी मैं कुछ सालों से देख रही हूँ कि टिया काफ़ी मैच्योर्ड हो गई है, जो कि नहीं थी बिल्कुल. हाँ, अभी मैच्योरली बिहेव करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती है. और पहले क्या होता था, टिया हमेशा हाई टेम्पर्ड वाला इंसान है, तो कुछ भी टिया को बोलो तो पता नहीं कब इसको गुस्सा चढ़ जाए, तो बहुत चिल्लाता है. और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बाद में बताती हूँ, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बताऊँगी. अभी बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज भी करती है, बहुत मैच्योर होके सब कुछ संभालती भी है. तो ऐसा मैंने मतलब कुछ सालों से मैं देख रही हूँ टिया के अंदर. पर ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली मैच्योर है, बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी भी है इसमें, बहुत इमैच्योर भी बिहेव करती है कभी कभी, जब तब मुझे थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है. तो ऐसा है टिया. और बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स. I think that's it, that's Tia. Okay, so इसके बारे में, जैसे कि मैं हूँ बिल्कुल opposite है, बिल्कुल भी opposite है. Like मैं extrovert हूँ, ये introvert है. मैं ज़्यादा बात करती हूँ, ये ज़्यादा बात नहीं करते. अभी बात करने लगी है ये. मतलब जब आप अगर मतलब छोड़ बचपन से लेके क्लास 10 तक बात भी नहीं करती थी किसी से, मतलब ये घर पे है या नहीं है किसी को पता ही नहीं चलता. हाँ, किसी को पता नहीं चलता है. आप हाँ बोलते हैं ये है या नहीं है, पता ही नहीं चलता है, ऐसा है. बट आफ्टर 10 वो थोड़े थोड़े बोलने लगी है. यूट्यूब आने के बाद इसमें ह्यूज चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये अभी बहुत बोलती है. अभी तो मेंटल स्टेज कुछ अलग ही लेवल पे है. अभी तो आफ्टर बियान अभी अलग ही स्टेज में चल रहा है इसका. हाँ, इसको मैं बोलती हूँ अभी चुप हो जा, नहीं बोलता ही रहता है. हाँ, बट ठीक है. ये जैसे कि मैं, मुझे अगर कुछ बुरा लगता है मैं बोल देती हूँ, बट ये नहीं है. वैसे अगर कुछ बुरा लगता है तो इसके अंदर ही रहता है, घुट घुट के अपनी आंसू पीती है, ऐसी टाइप की बंदी है. मतलब इसको अगर कोई कुछ बोलता भी है
तो ऐसे चुपचाप आके मैं ऐसे ऐसे घुसे मार के चल जाऊंगी, बट ये वैसा नहीं है। हाँ टिक टिक भी टिक टिक कर रहे हैं तो ऐसे टाइप का है। बट अभी अभी थोड़ा मैच्योर पहले से ही था, बहुत ही ज्यादा मैच्योर होके ही पैदा हुआ है किसी को कुछ बोलता भी नहीं है, सबकी अच्छी है। गुड बुक्स में हमेशा गुड बुक्स में रहती है। सब लोग बोलते हैं ये कैसे है, बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत शांत है, ऐसी टाइप की है। बट जब बातें करती है वो मैं जानती हूँ, जब बातें करती रहती है करने का नाम ही नहीं लेता, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या फिर सैकदा भी थोड़ा बहुत जानता है, बट ये सिर्फ मैं और सैकदा ही जानता है इसका ये नेचर। बट हाँ बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत मैच्योर है। तो कभी कभार मैं अगर डिसबैलेंस हो जाती हूँ तो मुझे पकड़ के ले आती है, आजा आजा ये तेरा ट्रैक है, वो ट्रैक नहीं है। हाँ बट ये ऐसा ही है, लाइक ये जब बुढ़ी हो जाएगी ना, बुढ़ी हो जाएगी तो इसका पोता पोती जब होगा उसको बोलने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं होगा कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर बैठी थी, ट्यूशन जाती थी, पढ़ाई करती थी, आती थी, खाना खाती थी, सो जाती थी, बस ऐसा ही है इसका नेचर और कुछ नहीं है। अभी थोड़ा चेंजेस आए हैं, अभी थोड़ा मैडम जी थोड़ा अपना रंग वगैरह दिखा रहा है, वो भी बयान आने के बाद तो ऐसा ही है। बट अच्छा यूट्यूब आने के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आई है मुझ में, लाइक मैं अभी थोड़ी सी मतलब मैं खुलने लगी हूँ, जो बात है वो मैं खुलने लगी हूँ, थोड़ा सा अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आने लगा है। लेकिन ऐसी लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कुछ बताने का भी नहीं है इसके बारे में, इतना अच्छा था ये बचपन से। तो बॉन्डिंग हम दोनों ऐसे है, लाइक ये नॉर्थ पोल है तो मैं साउथ पोल हूँ, बट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। लाइक हम दोनों का चॉइसेस भी मिलते हैं, जैसे कि जैसे नहीं मिलते हैं फिर भी मिलते हैं, राइट? मतलब हम दोनों का ना अभी क्या हुआ मतलब है? हमारी जो मोरल है ना, हमारी जिंदगी के जो मोरल है ना कि हमें यही चीजें सही लगती है, तो वो वैसा पर्सपेक्टिव मेरी भी है, वैसा सेम इसका भी है कि हालांकि हम दोनों का चॉइस बिल्कुल नहीं मिलता है कि हम दोनों अलग ही कैरेक्टर की है, लेकिन फिर भी हमारे क्योंकि परवरिश एक ही जगह से है और परवरिश एक ही तरह से हुई है, सो इसलिए हम दोनों की थिंकिंग एकदम सेम होता है और हम दोनों की बॉन्डिंग बचपन बता दी हाँ, जब हम लोग छोटे थे लाइक मम्मी घर पे नहीं रहती थी तब ये क्या करती थी, मैं उसको मारती थी या फिर कुछ करते, ये मुझसे घर से बाहर निकल दरवाजा लॉक करके रहती थी और मैं दरवाजा नॉक करती रहती थी, करते थे जब ये दरवाजा खोल देते ऐसे हम दोनों एक दूसरे के बाल नोचते थे, ऐसे मारपीट करते थे। और फिर क्या होता था क्योंकि मैं ज्यादा मारती नहीं थी, ये एक मारती तो मैं 10 मारती थी, हाँ, अगर मैं एक दे देती थी, एक भी मैं देती थी तो इसके 5 लगाने से फिर मैं एक इसको दे दी थी, फिर एक के बदले मुझे 10 मिलता था, और फिर क्या देखती मैं कि ये रोने लगी है, इतना रोती है कि मैंने उसको कितना मारा है, फिर मम्मी आके मुझे जाती है कि तूने क्यों इतना मारा है मतलब ऐसे ही प्रिटेंड करता था कि मैंने उसके ऊपर कितना जुल्म कर दिया है, क्योंकि मम्मी जब आती थी मम्मी देखती थी कि बहुत ज्यादा रो रहा है, भयंकर वाला, ये मुझे बहुत पिंच करती थी तब, इसीलिए मैं तो उतना बोलती नहीं थी, मतलब बोलती थी बट पिंच नहीं करती, पिंच करती है, पिंच करती है, फिर इसको मार पड़ती है ऐसी थी। तो यही हमारी चलती थी, हम दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया है, हम दोनों ने बहुत ही ज्यादा किया है, पर हम दोनों की मतलब हम दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा है बचपन से ही, और अभी हम लोग जब बड़े हो गए तो हम दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट सब सब शेयर करते हैं, तो टिया को भी अगर कुछ होता है तो वो मुझे बताएगी, मेरी भी कुछ होता है तो मैं बताऊंगी, तो हम दोनों एक दूसरे मतलब लाइफ में चलते भी है ना, तो हम दोनों को एक दूसरे के सजेशंस चाहिए होता है कि क्या करना सही है, क्या करना है, और हम दोनों के लाइफ में ऐसा भी होता है कि जैसे कि सेम चीज होता है, राइट? मतलब इसको मतलब लड़का ही देख लो यार, लड़का हम लोगों को सेम जैसा मिल गया,
ससुराल भी सेम जगह पे है। ऐसा हो ही जाता है मेरे लाइफ में, जो जो चीजें हुई है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से वहां से थोड़ा सा चेंज होके इसकी जिंदगी में, हाँ इसका तो ये भी सेम वही ट्रैक पकड़ दिया जहाँ से मैं गुजर चुकी हूँ, हाँ तो ये भी सेम वहीं से जाता है। जस्ट लाइक इसका एजुकेशन जिस जिस ट्यूशन सर के पास ये जाती थी, जिस जो जो सब्जेक्ट इसके पास था, वही सब कुछ मेरे पास भी आया है। घूम फिर के एक ही साथ रहा है, और चॉइसेस भी अगर हम लोग कुछ चीज देख रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि मैं सोचूं ये मुझे पसंद है, ये भी फिर बोलेगा कि हाँ मुझे भी ये चीज पसंद है। आ जब पापा ए जी So the last topic of this video जो होगा वो होगा 3 words to describe each other. तो पहले मैं बताती हूँ टीआर की 3 words ना, तो अच्छा ही बोलूँगी मैं, बुरा भी बोल सकती हूँ। गुड हार्टेड, अच्छी दिल की है, मतलब बाहर से जो भी है लेकिन अंदर से बाहर से जो भी है नहीं। और सेकेंड है बहुत ज़्यादा केयरिंग है, अपने फैमिली के फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा केयर करती है। और थर्ड मैं बोलूँगी पॉपुलर, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हाँ हमारे एरिया में भी, और हमारे कॉलेज में, हाँ स्कूल में कॉलेजेस में फैमिली में और फिर फ्रेंड्स सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहती है ये, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम जब बातें करते हैं ना तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही रहती है, ये इतना ज़्यादा बातें करती है, होता है ना कुछ लोग ऐसे, तो ये वैसी वाली है, सो इसलिए पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा है, लोग इसको अच्छे से जानते हैं। ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, मतलब झूठ नहीं बोलती है, बेसिक बात है ये, झूठ नहीं बोलती है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दी है, लाइक आप अगर कुछ भी बात इसको बोल दो उसके पेट से नहीं निकलेगा, इस बात का गारंटी ले लो आप, ठीक है, नहीं निकलेगा, मतलब मरते दम तक नहीं निकलेगा, मतलब अगर वो सॉल्व भी हो गया, अगर किसी ने उसको बोल भी दिया कि हाँ नहीं बोलना, अगर सॉल्व भी हो गया, अगर बोलने से भी कुछ फर्क नहीं, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ऐसा है। और ब्यूटीफुल फेस विद ब्यूटीफुल सोल, एग्जैक्ट वही है, जैसा आप ऊपर देख रहे हो वैसा भी अंदर ही है, कुछ जैसे कि मैं हूँ ऊपर से अंदर से, वैसा नहीं है, ऊपर से जितना अच्छी है अंदर से भी उतना ही अच्छी है। बी हाई से नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली जो भी देखता है जो भी मिलता है उससे सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छी है। अच्छे का डेफिनेशन अगर किसी को चाहिए, मूर्त है तो बेजी बोल। सो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म करते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सिस्टर टैग वाला वीडियो, और ये पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट भी कीजिए कि ये वीडियो देख के आप लोगों को मज़ा आया है या नहीं। अगर मज़ा आता है तो ये ऐसी वीडियो हम दोनों मिलके नेक्स्ट आगे फ्यूचर में भी बनाने वाले हैं, तो आप लोगों को इसलिए बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग, हाँ सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, हाँ क्योंकि व्यूज बहुत ज्यादा आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। और बस हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, चलता है, टेक केयर, बाय। बोल क्या बोल, क्या